हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किट्टी की रसोई। फ्रेंड्स, आज मैं करेले का अचार बना रही हूँ। करेले का फ्रेंड्स मैं इंस्टेंट अचार बना रही हूँ, जिसे आप उसी समय बनाकर खा सकते हो और आप इसे 2 महीने तक स्टोर भी कर सकते हो। करेले हम सबको खाने चाहिए। करेले खाना हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। करेले को आप किसी भी तरह से बना के खा सकते हो। करेले की सब्जी बना सकते हो, करेले की भुर्जी या भर में करेले बना सकते हो। आप करेले का जूस निकाल के उसे पी सकते हो, या तो आप करेले का अचार बना सकते हो। तो करेले को आप किसी भी तरह से खाइए, लेकिन करेले ज़रूर खाइए फ्रेंड्स। करेले खाना बहुत ही अच्छा होता है। करेले का अचार परांठियों के साथ में बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, करेले का अचार बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल किट्टी की रसोई को और बेल आइकन दबाइए मेरी लेटेस्ट कुकिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। करेले का अचार बनाने के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने ये करेले लिए हैं। मैंने ये फ्रेंड्स 1/2 किलो करेले लिए हैं। इसे मैंने पहले अच्छे से धो लिया है और अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब हम इन करेलों को ऊपर से कट कर देंगे और इसकी डंडी को भी कट कर देंगे। और इसके बाद में हम करेलों को इस तरह से गोल गोल पीसेस में कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमें करेलों को बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं काटना है और ना ही बहुत ज़्यादा पतले स्लाइसेस कट करने हैं। हमें करेलों को इतना इतना साइज़ में कट करना है। फ्रेंड्स, अगर करेले में पके हुए बीज हैं तो हम उसे निकाल देंगे, लेकिन अगर करेले में जो बीज हैं वो सॉफ्ट हैं तो उसे हम इसी तरह से रहने देंगे। इसी तरह से हम सारे करेलों को कट करके तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे करेलों को पीसेस में कट करके तैयार कर लिया है। अब इन करेलों को मैं हल्का सा सूखने के लिए रख दूंगी। आप चाहें तो इसे हल्की सी धूप में भी रख सकते हो, या तो आप इसे पंखे के नीचे भी रख सकते हो। फ्रेंड्स, अगर हम इंस्टेंट करेले का अचार बना रहे हैं तो हमें करेलों को बहुत ज़्यादा सुखाने की ज़रूरत नहीं है। हमें खाली इतना सुखाना है कि तो इसके ऊपर का जो पानी है वो सूख जाए। करेले गीले नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर आप इन्हीं करेलों को ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करना चाहते हो तो आप करेलों को थोड़ा ज़्यादा सुखा लीजिए। मतलब करेले ड्राई होने चाहिए, गीले नहीं होने चाहिए। उसके लिए आप करेलों को 1 घंटे की धूप लगा दीजिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये मैंने 2 मीडियम साइज़ की कच्ची अंबियाँ ली हैं। इन अंबियों को मैंने अच्छे से धो लिया है और अब हम क्या करेंगे, हम इन अंबियों के छिलके को छील देंगे और उसके बाद में हम इसे कद्दूकस से ग्रेट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने अंबियों का छिलका छीलने के बाद उसे अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब हम अचार के लिए एक मसाला बनाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 1/2 छोटा चम्मच हींग ली है, 2 बड़े चम्मच धनिया के बीज लिए हैं, 2 बड़े चम्मच सौंफ ली है, 2 बड़े चम्मच जीरा और 2 बड़े चम्मच मेथी दाना लिया है। अब मैंने फ्राई पैन को गैस पे चढ़ा दिया है। अब ये सारे मसाले जो हैं इसको मैं फ्राई पैन में डाल दूंगी और साथ ही में मैं इसमें हींग को भी ऐड कर दूंगी। गैस को हम मीडियम टू स्लो फ्लेम पे ही रखेंगे फ्रेंड्स, वरना ये सारे साबुत मसाले जो हैं ये जल जाएंगे। हमें इन मसालों को ड्राई रोस्ट करना है। जब ये मसाले ड्राई रोस्ट हो जाएंगे फ्रेंड्स, तो इनका कलर जो है ये वो हल्का सा चेंज हो जाएगा और साथ ही में आपको इन मसालों की खुशबू आने लग जाएगी। तो आप समझ जाइए कि जो मसाले जो हैं ये ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, मसालों का कलर चेंज हो चुका है और इसमें से खुशबू भी आ रही है। मसाले अच्छे से ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इन मसालों को हम हल्का सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। मसाले हल्के से ठंडे हो चुके हैं फ्रेंड्स। अब मैंने मिक्सी का जार लिया है। अब वो जो मसाले हमने ड्राई रोस्ट किए थे उन मसालों को हम मिक्सी के जार में डाल देंगे और इन्हें हम दरदरा सा पीस लेंगे। फ्रेंड्स, ये जो मैंने मसाला बनाया है, इस मसाले को बना के आप डिब्बी में डाल के स्टोर कर सकते हो और जब भी ज़रूरत पड़े आप इसे यूज़ कीजिए और इंस्टेंट अचार बना लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मसाले को हमने दरदरा सा पीस के तैयार कर लिया है। अब मैंने एक फ्राई पैन लिया है, इसमें मैंने सरसों का तेल डाला है फ्रेंड्स।
सरसों के तेल को हम सबसे पहले अच्छे से गर्म कर लेंगे, और गर्म करने के बाद में हम गैस को स्लो फ्लेम पे करके हम तेल को हल्का सा ठंडा कर लेंगे, ताकि जब हम मसाले डालें तो वो मसाले जल ना जाएं और तेल जो है वो भी कच्चा ना रहे। तेल को हमने सबसे पहले अच्छे से गर्म करके उसके बाद में हमने इसे हल्का सा ठंडा कर लिया है फ्रेंड्स। अब हमने जो मसाले को पीस के तैयार किया है, उस मसाले के 2 बड़े चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे, साथ ही में हम इसमें 1 चम्मच हल्दी का ऐड करेंगे, 2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और 2 चम्मच नमक ऐड करेंगे। इन सारे मसालों को हम हल्का सा सौते कर लेंगे और गैस को हम स्लो फ्लेम पर ही रखेंगे, वरना मसाले जो है जल जाएंगे। अब मैं इसमें करेलों को डाल रही हूँ, और साथ ही में फ्रेंड्स जो हमने अंबियों को कद्दूकस करके रखा हुआ था वो अंबियां हम इसके अंदर डाल देंगे। अब हम करेलों को मसाले के साथ में अच्छे से मिला लेंगे। फ्रेंड्स अगर आप इंस्टेंट अचार खाना चाहते हो तो इस टाइम पे आप इसे 3 से 4 मिनट तक हल्का सा पका लीजिए, तो जो करेले हैं वो हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे, जिसे आप इसी समय खा सकते हो। और उसके बाद में अगर आपका ये अचार बच जाता है तो आप इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको इंस्टेंट अचार नहीं चाहिए तो आप क्या कीजिए, आप जब मसालों को हल्का सा रोस्ट कर लोगे उसके बाद में गैस को ऑफ कर दीजिए और करेलों को डालकर इस मसाले में अच्छे से मिला लीजिए। और उसके लिए फ्रेंड्स आपको इसमें सरसों का तेल और डालना पड़ेगा। सरसों का तेल डालने के बाद में अचार जो है थोड़ा सा तेल में डूबा हुआ होना चाहिए, और उसे आप 4 से 5 दिन की धूप लगा दीजिए। आप इस अचार को किसी भी सूखे जार में भर के धूप में रख दीजिए। इस तरह से आपका अचार 4 से 5 दिन के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा, जिसे आप लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हो और जो कि ख़राब भी नहीं होगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स जब आपका अचार रेडी हो जाएगा तो आप उसे हल्का सा टेस्ट करके देख लीजिए, आपको उसमें जो भी मसाले कम ज़्यादा लग रहे हैं तो आप उसे ऐड कर सकते हो। करेले खाने सेहत के लिए बहुत ही अच्छे हैं फ्रेंड्स, और करेले का अचार तो बनता भी बहुत ही टेस्टी है, पराठियों के साथ में ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप भी करेले के अचार को अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने रिव्यूज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और कुछ भी पूछना चाहते हो इस रेसिपी के बारे में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा यूट्यूब चैनल किट्टी की रसोई। थैंक यू फ्रेंड्स।